अरे मेरे भाई, क्या लगता है आपको इसकी वजह क्या? एनसीआर की वजह है बड़े भाई। बिल्कुल भी सादे दुकानदार दो दें, सादे झूले वाले दो दें, जितने भी दुकानें लगी हुई हैं, फड़े लगी हुई हैं, ठेली लगी हुई हैं, सब दो दें। हम तो देखते हैं, डेली घूमते हैं दुकानदारों के पास, कहते हैं भैया पैसे नहीं आ रहे, कमाई नहीं हो रही, पब्लिक ही नहीं आ रही। पूछते हैं क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है, वही बताते हैं एनसीआर की वजह से। पब्लिक विरोध कर रही है, सड़कों पर बैठी हुई है, औरतें बैठी हुई हैं। लग रहा नहीं, लग रहा है तो उसी की वजह से पब्लिक नहीं आ रही है। मतलब सिर्फ सुरमई की दुकान पे या कहीं पर? सुरमई की दुकान से कोई मतलब नहीं है, नुमाइश के अंदर कोई भी दुकान है, सभी के ऊपर फ़र्क है। सभी पे फर्क, सब पे फर्क है। ये नहीं है खाली कि एक ही चीज़ पे फर्क है, सारी चीज़ों पे फर्क है। जब तक एनआरसी ख़त्म नहीं होगी तो हिंदुस्तान के अंदर यही रहेगा, ऐसा हर चीज़ कारोबार के ऊपर फर्क रहेगा। इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैं अलीगढ़ की नुमाइश में। अलीगढ़ की नुमाइश बहुत मशहूर नुमाइश है और सालों से यहाँ पर ये नुमाइश लग रही है। आज हम ये जायजा लेने आए हैं कि नुमाइश कितनी पूरी है और कितनी अधूरी है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी योगेश कुमार। बरेली से आते हैं हर साल आपकी दुकान लगती है और अभी नुमाइश को लगे हुए मेरे ख्याल से एक हफ्ता गुजर गया है, तो कैसा चल रहा है, मतलब नुमाइश आपके हिसाब से कैसी चल रही है? बहुत बुरी चल रही है। बुरी चल रही है इस बार, तो क्या वजह है इस बार आपको लग रहा है कि नुमाइश बुरी चल रही है? एनआरसी के लिए, तो लोग जैसे कि सुनने में आ रहा था कि बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि एनआरसी के विरोध में हम नुमाइश नहीं जाएंगे, तो ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है, लग रहा नहीं, लग रहा है तो उसी की वजह से पब्लिक नहीं आ रही है। मतलब सिर्फ सुरमई की दुकान पे या कहीं पर? सुरमई की दुकान से कोई मतलब नहीं है, नुमाइश के अंदर कोई भी दुकान है, सभी के ऊपर फर्क है। सभी पे फर्क, सब पे फर्क है। ये नहीं है खाली कि एक ही चीज़ पे फर्क है, सारी चीज़ों पे फर्क है। जब तक एनआरसी ख़त्म नहीं होगी तो हिंदुस्तान के अंदर यही रहेगा, ऐसा हर चीज़ कारोबार के ऊपर फर्क रहेगा। तो एनआरसी और एनपीआर का जो सीसीए का विरोध चल रहा है, इनका कहना है कि उस वजह से जो है नुमाइश हल्की चल रही है, क्योंकि सुनने में आया था कि नुमाइश का जो है लोग बहिष्कार कर रहे हैं, उनसे अपील की जा रही है कि नुमाइश का बहिष्कार करें। इनको लगता है कि इसलिए भीड़ कम है। की दुकान है आप? खिलौनों की भैया। खिलौनों की दुकान कहाँ से? काम धाम नहीं है बड़े भाई, बिजनौर से आए भैया। अच्छा, बिजनौर से आए हैं। कुछ भी काम धाम नहीं, रोटी तक के पैसे नहीं है बड़े भाई, परेशान है बहुत ज़्यादा। तो दुकान आपने नहीं लगाई अभी? नहीं लगाई, खाली घूम रहा, कहाँ लगाए पैसे, कुछ है नहीं काम धाम, क्या करेंगे लगा। दुकान के लिए तो पहले क्या लगता है आपको कि हल्की चल रही है? हल्की चल रही, कुछ भी पैसे नहीं आ रहा भाई साहब। पैसा क्यों नहीं आ रहा, क्यों हल्की चल रही? पब्लिक नहीं आ रही मेरे भाई। क्या लगता है आपको इसकी वजह क्या? एनसीआर की वजह है बड़े भाई, एनआरसी की वजह से पब्लिक नहीं आ रही है। जो कहा गया था कि इसका मतलब विरोध किया जाए, नुमाइश में ना जाया जाए, बहिष्कार किया जाए नुमाइश का, ऐसा लगता है आपको? क्या लगता है कि पब्लिक? लगता है क्या है, साफ साफ दिख रहा है पब्लिक आई नहीं रही बिल्कुल भी। सादे दुकानदार दो दें, सादे झूले वाले दो दें, जितने भी दुकानें लगी हुई हैं, फड़े लगी हुई हैं, ठेली लगी हुई हैं, सब दो दें। हम तो देखते हैं, डेली घूमते हैं दुकानदारों के पास, कहते हैं भैया पैसे नहीं आ रहे, कमाई नहीं हो रही, पब्लिक ही नहीं आ रही। पूछते हैं क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है, वही बताते हैं एनसीआर की वजह से। पब्लिक विरोध कर रही है, सड़कों पे बैठी हुई है, औरतें बैठी हुई हैं, सब बैठे हुए हैं। तो आपको लग रहा है जो कहा गया था कि नुमाइश का बहिष्कार किया जाए, तो पब्लिक जो है बहिष्कार कर रही है एनआरसी और एनपीआर की विरोध में? हाँ, वही बहिष्कार होता है, इसीलिए नुमाइश में पूरा पूरा असर दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है। आप घूम रहे नुमाइश के अंदर, आपको भी साफ साफ दिख रहा है, पूरी नुमाइश खाली पड़ी हुई है। टाइम देख लिए कितना हो रहा है, इस टाइम तक झूले चल रहे होते, पूरा ग्राउंड भरा हुआ होता है, दुकानदार ऐसे ही बैठे हुए हैं, किसी की सेल नहीं हो रही। ये देखिए दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, ऐसी साफ साफ नजर आता है बहिष्कार होता है नुमाइश का, पब्लिक आई नहीं थी इसी चक्कर में। तो पब्लिक जो है कम आ रही है नुमाइश में, लोगों का कहना है कि एनआरसी, एनपीआर और सीसीए के विरोध में भी लोग नुमाइश का बहिष्कार कर रहे हैं। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ आपके साथ होगी मुलाकात। मैं अपने सहयोगी योगेश कुमार के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा। जय हिंद।